ये सुंदर है नया न्यू मास्क है। ये तो पापा।, पापा। जल्दी पहन लो ना जल्दी पहन लो ना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ और ये ब्लॉग स्टार्ट है कल इवनिंग से कल इवनिंग मतलब कि मंडे इवनिंग से स्टार्ट है इवनिंग से स्टार्ट कर दिया था मीठी और उसके पापा कुछ सामान लाने गए थे डी मार्ट तो बस थोड़ा सा क्लिप ले लिया उसका देखिए बाहर जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहती है और जब घर से आई है तो पहली बार निकल रही है तो एक्साइटेड है थोड़ा सा घूमने के लिए बाइक से जा रही है और उसके बाद जब घर पे आई थी उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि मतलब कि लगभग लेट से आई थी और फिर मैं अपना काम में बिजी थी किचन में बिजी थी और ब्लॉग सूट नहीं कर रही थी एक्चुअली ट्राईपोर्ड नहीं है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है और ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंगलवार आज का है सुबह का सो स्टार्ट कर दिया है बस कहीं भी अटका करके फ़ोन और ब्लॉग सूट कर ले रही हूँ बस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि ट्राईपोर्ड का आदत है ट्राईपोर्ड का आदत अगर नहीं होता बिना ट्राईपोर्ट का ही अगर करती तो उस तरह से दिमाग हो जाता है कि कहाँ पे लगाए फोन और कैसे सूट करें पर नहीं आदत है ना बिना ट्राईपोर्ट का तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी हूँ पानी एक कुल्ली तक नहीं की हूँ ना ही पानी से फेस वाश तक नहीं किया कुछ भी नहीं किया है देख सकते हो आप बस सीधा उठ करके किचन में आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का होता है ना कि सबसे पहले उनको चाय चाहिए होता है तो बस यहाँ गैस साफ़ करके प्लेटफॉर्म साफ़ करके और चाय बना रही हूँ बस और कुछ भी नहीं किया था फेस वॉश तक नहीं किया था तो इसलिए मेरा चेहरा भी थोड़ा अजीब आप लोगों को दिख रहा होगा तो बस चाय बन गया है हम दोनों का और मैं चाय छान लूँगी उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मिलने वाली हूँ क्योंकि चाय छान करके मैं रूम में जाती हूँ हस्बैंड के साथ पीती हूँ और फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना कि ट्राईपोर्ट रहता तो मैं लगा भी लेती बट नहीं रहने की वजह से बहुत दिक्कत होता है और ये देखिए कल जो शाम में मीठी सामान लाई थी मीठी के पापा और मीठी तो बस जैसे लाए थे वैसे ही रह गया था रूम में ठीक नहीं कर पाई थी क्योंकि कभी कभी मन करता है ना कि कुछ ना करे कभी कभी मूड होता है तो सारा कुछ हो जाता है कभी कभी मन नहीं करता है तो बस काम में लग गई थी उनको ड्यूटी भी जाना था और खाना भी जल्दी जल्दी जल बनाना था तो खाना बनाने में ही लग गई ये सब छोड़ दी तो यहाँ देख सकते हैं जो भी ज़रूरत का सामान था वो है और कुछ एक्स्ट्रा भी ला कर रख दिए हैं मतलब कि कुछ चीज़ें हैं फिर भी ला कर, कर रख के रख दिए हैं क्योंकि एक महीने के हिसाब से ले करके आ गए हैं तो यहाँ सरफ़ है फर्श साफ करने वाला लिक्विड है शैम्पू है तेल है काजू है किशमिश है और भी दाल है रिफाइंड ऑयल है चूड़ा है जिसको पोहा बोलते हैं सब कुछ मतलब कि ला दिए हैं जितना जरूरत था कुछ चीज़ें मैं किचन में ले जा चुकी हूँ जो जो कमी था वो किचन में रख दी और जो ये एक्स्ट्रा है जो मैं रखने वाली हूँ स्टोर में तो ये कुछ सुबह का था फिर मैंने लंच का कुछ नहीं दिखाया है क्या बना क्या खाया कुछ भी नहीं ये दोपहर के टाइम है आज घर पे प्लम्बर आया था तो फिर से कचरा हो गया था तो मैं दोपहर में मतलब कि खा पी करके आराम करने के बाद दोपहर मतलब कि दो तीन बजे के बाद का ये क्लिफ है मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ सामने बाथरूम में कपड़े जमा है धोने के लिए बाल्टी में पूरा दिख रहा है और कहीं भी अटकाना पड़ रहा है ये देखिए कहाँ मैं अटका कर रख रही हूँ मतलब कहीं कहीं फ़ोन अटका कर रख रही हूँ ताकि ब्लॉगिंग ना रुके क्योंकि वैसे भी एक हफ्ता हो चुका था जब मैं ससुराल में थी तो चार दिन पहले से ही ब्लॉगिंग बंद थी क्योंकि कुछ बिजी थी मैं और यहाँ आने के बाद भी मतलब दो दिन नहीं सूट किया कुछ भी तो वैसे भी एक सप्ताह हो चुका था लगभग तो सोच रही हूँ कि अभी कंटिन्यू कर दूँ क्योंकि छोड़ छोड़ के और मन नहीं करता है सूट करने का चाहे जितना भी हो जो भी हो क्लिप ऐड करते जाओ और ब्लॉग सूट करते जाओ ब्लॉग डालते जाओ तो अच्छा रहता है मन लगते रहता है नहीं तो अच्छा नहीं लगता है फिर ब्लॉग कर ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता है ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है मतलब जब भी झाड़ू लगाओ तो कुछ ना कुछ कचरा हो ही जाता है और मीठी तो और भी ज़्यादा कचरा करती है तो बस ये है लास्ट रूम मैं जहाँ से स्टार्ट की वहाँ से लेके फिर हॉल फिर किचन और फिर ये लास्ट रूम सारा जगह पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह में मतलब कि आज दस बजे के करीब में ही प्लम्बर आ गया था तो झाड़ू अच्छे से नहीं लगा था मतलब लगा ही नहीं था समझो और खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया जो कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी में सब लोग बोलते हैं कि जल्दी खा लेना चाहिए सवेरे खा लेना चाहिए बट ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाता है मतलब कि हो ही जाता है लेट मेरा तो ग्यारह बारह बज जाता है ग्यारह बज जाता है नॉर्मली बारह भी कभी कभी और देखिए काम एक करते रहो दूसरा इंतज़ार करता है तो बेट फिर आप सामान कपड़े देख रहे होंगे ये सारा सूखा वो कपड़ा है तीन चार बेड चादर है और कुछ कुछ है जो हम तीनों का डेली यूज का होता है वो कपड़े हैं तो अभी इसको ही फोल्ड करने है क्योंकि शाम अभी दोपहर है और शाम में हम लोग यहीं पर बैठते हैं टी वी देख सो so, हमारा काम तो चलता ही रहेगा उसके बीच में ही मीठी का ऑर्डर आ गया चॉकलेट दूध पीना है और वैसे भी उसका टाइमिंग है मतलब सुबह दोपहर और रात में पीती ही है तो अभी दोपहर का टाइम है आज थोड़ा सा खाना खा ली थी इस वजह से दूध मतलब लेट कर दी तीन बजे के करीब में नहीं तो एक बजे के बारह के करीब में ये पी लेती है तो बस इसका पहले दूध बना लेती हूँ उसके बाद फिर अपना काम कंटिन्यू करती रहूँगी तो बस मीठी का दूध बन चुका है और मिठी को पिलाने आ गई हूँ मैं अपने से कभी कभी पी लेती है लेकिन ज़्यादातर मेरे से ही पीती है मतलब बोलूँगी कि खुद से लेकर पी लो तो नहीं पीती है इसको लगता है कि गर्म है पता नहीं क्या लगता है बट पीती नहीं है तो मैं इसको पिला रही हूँ और ये कुछ बातें कर रही है जिसकी वजह से मैं हंस भी रही हूँ बट नहीं मतलब कि ओरिजिनल वॉइस नहीं रख के मैं बैकग्राउंड से ही मतलब वॉइस ओवर ही कर रही हूँ और ये देखिए इतना सारे कपड़े हैं ये सब कल के कपड़े हैं इन सबको अभी फोल्ड करना है सो तो यहाँ पे टीवी चल रहा है और टीवी देखते देखते मैं यहाँ पे सारा कपड़े जो भी है वो सब फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद ही मैं आराम करूँगी क्योंकि इतना ज़रूरी है ये जो मतलब जो ज़रूरी ज़रूरी काम है उतना ही मैं करती हूँ ज़्यादा नहीं करती हूँ बट फिर भी ज़रूरी काम भी ज़्यादा हो जाता है अभी जैसे ये कपड़े नहीं हटाऊँगी तो फिर यहाँ पर बैठने वाला भी नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगता और हटाना तो पड़ेगा ही फोल्ड करके सो मैं यहाँ टी देख रही हूँ और बस सारा कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ तो बस देखने में इतना कम लग रहा होगा बट फोल्ड करने में इतना ही हाथ दर्द हो जा रहा है है पापा के कपड़े सारा फोल्ड हो चुका है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेकर के काम करूँगी। प्रिय लोगों मेरे नाम से काम रहे मैं बीमार नहीं हूँ मैं ठीक हूँ। ये साँप और कोई नहीं। नहीं सुनो पुट्टू पापा सो रहे हैं पापा सो रहे हैं सोने दो। तो so, मीठी हमेशा बोलती रहती है मैं अगर थक के थोड़ा सा आ या फिर कुछ बोलूँगी ना तो इसको लगता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है या फिर मैं बीमार हो गई हूँ तो ये मेरा सर छू करके देखती है और बोलती है बीमार हो गई है और बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ इस टाइम पे क्या होता है कि मतलब अम, तीन चार बजे के करीब में कुछ ना कुछ खाने का भी मन करता है और खाना भी चाहिए और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगता है सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो और आलमंड को फुला करके खाना होता है बट फुला हुआ आलमंड आलमंड मुझे अच्छा नहीं लगता है सूखा जो रहता है ना वही अच्छा लगता है थोड़ा मीठा मीठा लगता है फुला हुआ मीठा इतना नहीं लगता है तो अच्छा नहीं लगता है और बॉलनट भी अच्छा नहीं लगता है बस काजू की इसमें से जो थोड़ा सा खा सकते हैं वो दोनों पड़ा का पड़ा हुआ है ये दोनों ख़त्म होता है आता है बट वो पड़ा ही हुआ है अच्छा नहीं लगता है खाने में तो बहुत कम खा पाती हूँ मतलब सोच समझ के कि हाँ खाना चाहिए तो थोड़ा खा लेते हैं ऐसा करके so सुबह ऐसे ही टीवी देख रही हूँ खा रही हूँ और आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ बट मीठी इतना ज्यादा बोल रही है ना कि बोलने ही नहीं दे रही है तो so उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड सोए हुए थे तो वो उठे हैं फिर से चाय का ऑर्डर मिला और फिर से मैं चाय बना रही हूँ दोनों जने के लिए और वो अपना काम कर रही है अपना काम कर रही हूँ मीठी अपना मिथी? काम कर रही है वो अपना ऑफिस का काम कर रहा है मैं ब्लॉग और मीठी खींच रही है दोनों लोगों को परेशान कर रही है उठाओ सारा उठा लो अरे देखिए मीठी को सो so, ये रहा हमारा सुबह से शाम तक का रूटीन जिसमें मैंने कोशिश किया है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का पूरा तो नहीं हो पाता है बट हाँ बहुत कुछ शेयर करने का कोशिश किया है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए बहुत कुछ नहीं भी शेयर कर पाती हूँ और यहीं पे शाम ख़त्म होता है चाय नाश्ता पे नाश्ता कभी कभी बाहर से मंगा खाती हूँ कभी कभी घर पर बना लेती हूँ तो आप लोगों को पता ही है प्रेगनेंसी में थोड़ी क्रेविंग होती है तो बाहर का भी खाने का मन करता है तो बाहर से भी मंगवा करके खा लेती हूँ सो so, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो और मेरा जो रूटीन है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं कोई भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सो so, चलिए मिलते